अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जामिन हुसैन चैनल के साथ नई जाब लेकर हाजिर हूँ। ये जाब है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर इन मेडिकल ब्रांच। ये जाब 14 जुलाई तक चलती रहेगी और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है 6 जुलाई से शुरू होगी और 14 को एंड हो जाएगी। इसका टेबल ऑफ कंटेंट जो है पाकिस्तान एयरफोर्स में आपने कैसे अप्लाई करना है, इसमें ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 6 जुलाई से 14 जुलाई तक www.jainpf.gov.pk पे विज़िट करके। पाकिस्तानी मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 2 नवंबर 2022 से काउंट होगी, 29 से 48 ईयर इसकी एज लिमिट है। और जो डायरेक्ट रैंक है सपोर्ट का दिया जाएगा और 24 वीक्स इसकी ट्रेनिंग है। एजुकेशन आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन MBBS सेकेंड डिवीज़न या उसके बराबर कोई भी डिग्री की हो फॉरन कंट्री से या पाकिस्तान से। इसके आगे डिपार्टमेंट है यूरोलॉजिस्ट, इसके लिए रिक्वायरमेंट किया है FCPS FRC डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड से। उसके बाद गेस्ट्रोलॉजिस्ट है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है आर्थोपेडिक के सर्जन है। पुलोमोलॉजिस्ट है, न्यूरो सर्जन है, इनके लिए रिक्वायरमेंट है तमाम आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है GDMO जनरल मेडिकल जो ऑफिसर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट है। इसमें MBBS सेकेंड डिवीज़न, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जिस पर ये जॉब अनाउंस की गई है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर इन मेडिकल ब्रांच। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है जो इसकी 6 जुलाई से शुरू हो गई और 14 तक जारी रहेगी। ये सेम ऊपर जो गुजर चुका है इसमें वही तमाम तफसीलत इसमें लिखी गई हैं। नेशनलिटी पाकिस्तानी, मेल और फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 2022 के 2 नवंबर से शुरू होगी, 29 से 48 ईयर जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आप देख सकते हैं MBBS है, मिनिमम सेकेंड डिवीज़न होनी चाहिए, उसके साथ आगे डिग्रीज हैं। मुफ्त स्पेशलिस्टाइजेशन के लिए इसके बाद मेडिकल ब्रांच है GDMO SPSSC, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ MBBS कंप्लीट होना चाहिए आपका, सेकंड डिवीज़न हो या फर्स्ट डिवीज़न कोई भी अब चल जाएगा। इसमें आप पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तरीका बहुत ही आसान है। जस्ट आपने इनकी वेबसाइट पर विज़िट करना है और इस जॉब को दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो। और इस ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में तमाम तफसीलें बताई गई हैं, जूम करके आप पढ़ सकते हैं। ये सिलेक्शन का तरीका कर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होगा, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद टेस्ट होगा, फिजिकल इंटरव्यू होगा, स्टैटिक टेस्ट होगा, इंटरव्यू हो, शॉर्ट सर्विस और लोगों को शॉर्ट किया जाएगा GH के थ्रू का, और फाइनल मेलिस लगेगी। और इसके जो सिलेक्शन सेंटर वो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, जहाँ भी आपको नज़दीक तरीके लगता है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी सैलरी बहुत अच्छी हैंडसम और एयर और CV और रेलवे CV 50% डिस्काउंट है। उसके बाद एयर हाउसिंग में आपको मेंबरशिप दी जाएगी और उसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री होगा और सरकारी क्वार्टर अलाट किए जाएंगे, बंगला वगैरह अलाट किया जाएगा, गाड़ी मिली जाएगी और भी बहुत सारी इनकी सहूलतें वगैरह हैं। इससे मुस्तफ़ीद हों दोस्तों, लाजमी शेयर कर दिए करें ताकि लोग भी इसको देख मुस्तफ़ीद हों, ताकि जिन लोगों को नहीं पता चलता वो भी टाइमली इस वीडियो को देखें या इस एडवर्टाइजमेंट को देखें वो भी।